हेलो क्लास बच्चों, ये जो भूगोल में अपना सेकंड चैप्टर है इसका नाम है ग्लोब अक्षांश और दिशांतर। ये ग्लोब आप सब लोगों ने देखा हुआ है, ये जो ग्लोब होता है ठीक है, इसके मैंने यहाँ पे कई सारे चित्र बनाए हुए हैं। तो बच्चे जो ग्लोब है ठीक है, ये ग्लोब जो है ये पृथ्वी की आकृति को बताता है कि पृथ्वी कैसी है ठीक है। अब सबको पता है कि ग्लोब जो है पृथ्वी का जो एक लघु प्रतिरूप है, मतलब उसके जैसे ही अपन कहते हैं ग्लोब पृथ्वी का एक मॉडल है। अब पृथ्वी जो है पूर्णतः गोल तो है, सबको पता है ये क्या है, ध्रुवों की और फिर से चपटी है इस तरह से ये, और ये अपने अक्ष पे झुकी हुई भी है, और ये जो झुकी हुई है अपने ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ग्लोब की, तो ये ग्लोब जो पहले बड़े बड़े ग्लोब जो साइज में हुआ करते थे, तब तो कई छोटे ग्लोब भी आने लगे हैं, कई ऐसे ग्लोब भी हैं जिनको अपन जो है किसी बैग में या किसी पॉकेट में रख के भी ले सकते हैं। जैसे गुब्बारा होता है ना, गुब्बारे को आप जब फुलाते हैं तो बड़ा हो जाता है, फिर जब उसकी हवा बाहर आ जाती है तो नॉर्मल साइज में आ जाता है। इस तरह से कुछ ग्लोब ऐसे भी मार्केट में मिलते हैं जिनको ईजीली एक जगह से दूसरी जगह हम ले जाते हैं, नहीं तो ऐसे क्या होता है कि हमें दिक्कत होती है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो ये जो ग्लोब है बच्चों, इस ग्लोब में आपने इस तरह से देखा होगा कि ऐसे जो है लाइनें बनी हुई हैं ठीक है। मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पर ठीक है, इस तरह से हम लाइनें देखते हैं। अभी तो मैंने आपको ऐसे ही रफ बताया है ठीक है। इसका अगर अपन प्रॉपर रूप देखते हैं बच्चों के लिए है क्या, ये जो हम एक तरह से जाल देख रहे हैं इसको ग्रिड कहते हैं। ये रेखाएं जो है कौन सी रेखाएं हैं, इनका क्या महत्व है, तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। इसके लिए पहले मैं आपको एक सामान्य एक गोल यहाँ पर बताता हूँ। ये जैसे हमने एक चित्र बनाया ठीक है। अब ये जो पृथ्वी है हम इसको ग्लोब के जरिए बता रहे हैं, तो पृथ्वी पे किसी भी क्षेत्र का जानने के लिए कि वो क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, इसके लिए रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है कि बीच की एक यहाँ पर हम बात करते हैं, एक हमने बिंदु बना दिया बच्चों, एक बिंदु बना दिया, इसको हमने नाम दिया अक्षांश। क्या नाम दिया, अक्षांश ठीक है। अभी बिंदु हम कहीं भी बनाए, यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बनाए, ये अक्षांश ही कहलाएगा ठीक है। पर ये जो लाइन आपने इसको जोड़ते हुए खींची है ठीक है, और इससे क्या हुआ, एक ऐसा वृत्त बन जाता है, ये एक ऐसा वृत्त गोला बन जाता है, ये कहलाता है अक्षांश वृत्त। तो यहाँ पे जितने भी आप रेखाएं देखेंगे उन सबके यहाँ का जो है वो वृत्त बनेंगे इस तरीके से। तो अक्षांश भी क्या होते हैं, अक्षांश रेखा होता है, पर उनके क्या बनते हैं, ये वृत्त बनते हैं ठीक है। अब ये जो अक्षांश वृत्त है, ये इस तरह से जो गोल यहाँ से यहाँ तक बना है ठीक है, तो ये जो मैं फिर से आपको बता दूँ समझा दूँ, ये जो हमने लाइन खींची ये काल्पनिक लाइन है जो वास्तव में पृथ्वी पर नहीं है। इस लाइन को हम जीरो से शुरुआत करते हैं, जीरो डिग्री हमने नाम दिया है, एक प्रमुख अक्षांश रेखा होती है ठीक है, इसको हम अक्षांश भी कहते हैं और इसका नाम भूमध्य रेखा भी है, भूमध्य रेखा ठीक है। अब इससे ऊपर दो रेखाएं और खींची गई हैं, ये तीनों पृथ्वी पर खींची गई तीन काल्पनिक रेखाएं हैं, काल्पनिक है वास्तव में नहीं है, इनको अध्ययन के लिए सुविधा के लिए इनको बनाया गया। ये जो ऊपर वाली है ये है कर्क, ये है मकर, कर्क और मकर, इस तरह से ये रेखाएं जो है वो बनी हुई है। और यहां से यहां तक ये जो यहां से यहां तक जा रहे हैं और यहां से हम यहां तक आ रहे हैं नीचे, यहां पे दो पॉइंट बनेंगे बिंदु, एक यहां पर एक यहां, इसको हम नाम देते हैं उत्तरी ध्रुव और इसको हम नाम देते हैं दक्षिणी ध्रुव।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, यह भूमध्य से ध्रुवों की ओर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 90 और यहां से जहां नीचे जाते हैं यहां तक, तो यहां तक 90। ठीक है, तो टोटल अक्षांश रेखा कितनी होगी, मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे तो 90 है और नीचे की तरफ आएंगे तो 90, तो 90 90 कितने हो गए, 180। प्लस इसको भी अपन जोड़ेंगे 0 वाले को, तो ये हो गए 181। कितने हो गए, 181। ये अक्षांश है। ठीक है, रेखाएं पर जब अक्षांश वृत्त की बात करते हैं बच्चों, तो ये 179 ही है। ध्यान से सुनना, जब रेखाओं की बात करते हैं अक्षांश रेखा, तो हम ये जो भूमध्य रेखा से ये जो 0 डिग्री है, इससे ऊपर जाते हैं तो 90 और नीचे आते हैं तो 90। ये लाइन कितनी है, 180 प्लस 1 जोड़ दिया अपने, ये तो हो गए 181। कौन सा जोड़ा आपने, 0 को भी काउंट करेंगे। पर जो हम वृत्त की बात करते हैं, ये जो वृत्त बने हैं, ये वृत्त बने हैं, ये 179 ही है। तो 2 क्यों कम हो गए, 2 से कम हो गए कि ये जो बिंदु है दोनों, यहाँ पर वृत्त नहीं बनता है, यहाँ वृत्त नहीं बन सकता है। इसको अपन ने जो है 181 में से 2 कम कर दिए तो कितने हो गए, 180। तो रेखा तो कितनी है, 181। और जब हम वृत्त की बात करते हैं कितने हैं, 179। तो इस तरह से ये यहाँ पर जो है बने, चूंकि यहाँ पे चपटी है पृथ्वी, इसलिए यहाँ पर वृत्त जो है वो इस तरह से यहाँ पर बन नहीं पाता, बाकी सब जगह तरह का निर्माण हो जाता है। और ये जो अक्षांश बनाए गए हैं, सारे जो अक्षांश हैं, इनके बीच की दूरी लगभग बराबर होती है। हालांकि अक्षांश जब ऊपर जाते हैं पोल की तरफ, ये उनकी जो है छोटे होते जाते हैं, पर इनके जो दूरी है बीच की, जितने भी बीच की लाइनें हैं, इनकी दूरी जो है बराबर है 111 किलोमीटर। कितनी है, 111 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये होगी बात। अब कुछ लाइन बच्चों ने सीधी खींची है, रेखा जैसी है, ये जो है ये भी 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। ये जो है यहाँ पर ये उत्तर को दक्षिण से मिलाता है, ये उत्तर को दक्षिण से मिलाता है, तो ये जो लाइनें हैं ये होती है देशांतर रेखाएं, ये नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती हैं। ठीक है, और ये जो है ये पूर्व को पश्चिम से मिलाती है। ठीक है, इस तरह से ये रेखाओं का निर्माण हो जाता है। तो ये भी 0 डिग्री हो गई, ये भी 0 डिग्री हो गई, तो दोनों क्या हो गई, प्रमुख अक्षांश और प्रमुख देशांतर। इनके अलावा जो और है यहाँ पर, तो देखिए 2 प्रमुख लाइनें हैं, एक ये है एक ये, इसको हमने नाम दिया कर्क, इसको नाम दिया मकर। इन दोनों के डिग्री बराबर है, 23.5 इसकी भी है, 23.5 इसकी भी है। पर जब भूमध्य रेखा से ऊपर जाते हैं बच्चों, तो हम इस सब वीडियो बना के उत्तर लिखते हैं, 23.5 उत्तर। यहाँ पे नीचे जब आते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं दक्षिण। तो जितनी भी डिग्री यहाँ पे बनेगी, अक्षांश बनेंगे, उनके नीचे दक्षिण लिखा जाएगा, और जब ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसमें उत्तर लिखा जाएगा। तो 23.5, 66 ये वाला अपना, ये ऐसे यहाँ पर भी 66। अब ये जो वृत्त है यहाँ पर, ये अंटार्कटिका वृत्त कहलाता है, ये आर्कटिक वृत्त कहलाता है। अब यहाँ पर जो बच्चों ये सूर्य की किरणें हैं कर्क और मकर पर, यहाँ पे अंतिम जो आप कहते हैं लास्ट, जहाँ पे बहुत लंबा सूर्य चमकता है, तो ये जो है लाइन भूमध्य रेखा से ऊपर नीचे, यहाँ पे सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, इससे यहाँ पर उष्ण तापमान पाया जाता है, गर्मी। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे तापमान में कमी आती जाएगी। तो फिर हम कर्क से ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं, यहाँ पे मकर से ऊपर वाला हिस्सा देखते हैं, तो यहाँ पे तापमान में धीरे कमी आती रहती है। यहाँ की जो जलवायु है उसको हम कहते हैं शीतोष्ण, और फिर लास्ट में आ जाता है यहाँ पर शीत। इस तरह से जो
जलवायु कटिबंध है वो तीन है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। ये तीन तरह की जो जलवायु है ये पृथ्वी पर पाई जाती है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये जो अक्षांश रेखाएं हैं तो भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। मतलब हम यहाँ पर हैं बच्चों, तो बात करें ना तो हम जो है यहाँ पर भारत, मतलब भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा। तो अगर हम कहते हैं कि ये जो प्रमुख अक्षांश है ठीक है, तो भूमध्य रेखा नहीं हो सकती हमारे यहाँ से, कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। इसका मतलब ये जो भूमध्य रेखा है ये हिंद महासागर से गुजर रही है नीचे। मैं फिर से यहाँ समझा दूँ आपको, ये हमें पहले याद कीजिए ठीक है। ये तो भूमध्य रेखा है, गो की मदद से खींची जा रही है, पर हम तो यहाँ पर हैं बच्चों, ना हमारे बीच से जो रेखा गुजर रही है वो कर्क रेखा है, हम यहाँ से बहुत दूर हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने जो आपको
ये समझाया, इससे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा। ठीक है।